अच्छा पति का हाथ लगाना है और डेट सेट हो गई पूजा। लेकिन आज यहाँ पर आकर मुझे पहली बार यही पता चला है कि अगर आप साथ में बैठे हो तो आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी पति की वैल्यू है। तो क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया है, मैंने तो स्पेशली यही सीखा है हमेशा कि हाथ लगाओ और हो गया। स्वागत है आपका चैनल पे, आप सभी का आर्य समाज में बहुत बहुत स्वागत है। आर्य समाज सदर में हो रहे ऋग्वेद पारायण यज्ञ में आप लोगों ने आज पार्ट लिया है, तो क्या ये पहली बार है जब आप आर्य समाज में आए हैं? पहली बार आपने कोई आर्य समाज का प्रोग्राम अटेंड किया है? हाँ जी। आप क्या बताना चाहेंगे आपको आर्य समाज में आके और पूरा हवन का जो प्रोग्राम है वो अटेंड करके कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज का यज्ञ बहुत शांतिपूर्वक संपन्न किया गया और बहुत बहुत ही मन को सुकून शांति मिली। फिर उसके बाद आचार्य वेदपाल जी ने बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिए, भक्ति भावना की, संगीत किया, मन बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कभी भी मौका मिलता है सह परिवार हम ज़रूर आएंगे। तो शांतिपूर्वकता से जो यज्ञ हुआ है वो आपको बहुत अच्छा लगा और ये भी अच्छी बात है कि आगे आने का भी आपका मन बना है। आप अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अगर आर्य समाज की कोई बात बताना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है, हमारे यहाँ जब भी हमने हवन किया है, पूजा की है, इनफैक्ट शादी में भी ये सिखाया जाता है कि औरत को हमेशा पति का हाथ लगाना है और डेट सेट हो गई पूजा। लेकिन आज यहाँ पर आकर मुझे पहली बार यही पता चला है कि अगर आप साथ में बैठे हो तो आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी पति की वैल्यू है। तो यहाँ पे इन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार ये बताया कि लेडीज़ की भी क्वालिटी है, बिल्कुल यह कर सकती हैं। ये नहीं है कि अकेली लेडीज़ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये मैंने पहली बार यहाँ के सीखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं सबको बताऊँगी ये बात। जी, दोनों की बराबर वैल्यू है। ले क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया है, मैंने तो स्पेशली यही सीखा है हमेशा कि हाथ लगाओ और हो गया। जी देखिए, आर्य समाज का जो प्रमाण है, जो हमारा सिद्धांत है, वो यही है कि जो लॉजिकल है, जिसका तर्क है, वही हम आगे बताते हैं। जिस चीज़ का तर्क नहीं है उस चीज़ की हमारे लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे मुद्दे पे आपने बोला, क्योंकि अगर लेडीज़ ना होती, अगर वुमन ना होती तो शायद ये दुनिया ना बचती। इस दुनिया का ओरिजिन, इस दुनिया का जो सार है वो कहीं ना कहीं एक लेडी से ही शुरुआत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को इस तरीके की प्रेरणा मिली। आगे भी आप आर्य समाज के कार्यक्रमों में आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।